हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि naukri.com की वेबसाइट से हम किसी भी कैंडिडेट का प्रोफाइल, उसकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से कैसे निकालें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें उसका सीवी मोबाइल से या ईमेल आईडी से निकालने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो होना चाहिए उसका प्रोफाइल। समटाइम्स व्हाट हैपेंड, कैंडिडेट से हमने बात की, किसी रेफरेंस से हमें वो कैंडिडेट का नंबर मिला, हमने बात की कैंडिडेट से, कैंडिडेट हमारे लिए रेलिवेंट प्रोफाइल है और हमारे पास उसका सीवी नहीं है, और वो कैंडिडेट कहता है कि मैं आपको सीवी शाम तक भेजूंगा और हमें अभी उसका सीवी क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है, तो हम कैसे उसका सीवी निकालेंगे। तो हम उसके मेल आईडी से या फ़ोन नंबर से हम उसका सीवी नौकरी से निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नाम से क्यों नहीं निकाल सकते। हम नाम से सीवी भी निकाल सकते हैं, बट एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, किसी कैंडिडेट का नाम है सुमन। सुमन अगर नौकरी की कीवर्ड में यूज करूँगी तो बहुत सारे सुमन नाम के सीवी ओपन हो जाएंगे, बट ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यूनिक होता है, इसलिए उससे रिलेटेड एक ही प्रोफाइल नौकरी पर अपलोड होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हम एम्प्लॉयर जोन से लॉगिन करेंगे, फिर रेजडेक्स पे जाकर सर्च रेज्यूमे पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एनी कीवर्ड में हम मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद में हम अदर पैरामीटर भी चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कुछ मेंशन तो नहीं है, जैसे यहाँ पे नोटिस पीरियड 1 मंथ मेंशन है। अगर इस नंबर से जो भी प्रोफाइल बनी है अगर उसमें नोटिस पीरियड मेंशन होगा तो ही प्रोफाइल सर्च होगी, अगर नहीं होगा तो ये प्रोफाइल सर्च नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं ये पैरामीटर हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे सर्च लगा देती हूँ। यहाँ पे ये सीवी ओपन हो गया, ठीक है। चलिए मैं अब आपको ईमेल आईडी से सर्च लगा के दिखाती हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, जो पैरामीटर यहाँ पे पहले से मेंशन है नोटिस पीरियड, मैं इसको अभी रिमूव नहीं करती। अब देखते हैं सीवी ओपन होता है या नहीं, मेल आईडी और ये नोटिस पीरियड। तो यहाँ पे ये सीवी नहीं ओपन हो रहा, तो हमें ये नोटिस पीरियड हटाना ही पड़ेगा। अभी मैं नोटिस पीरियड हटाने के बाद मैं सर्च पे क्लिक करती हूँ, तो देखते हैं सीवी ओपन होता है या नहीं, और यहाँ पे ये सीवी ओपन हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि naukri.com की वेबसाइट से अगर आपके पास सिर्फ ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर है तो आप सीवी कैसे निकालेंगे। आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप वहां पे मेल कर सकते हैं। आपको नौकरी से रिलेटेड, आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।